गाइस अभी सब्जी लेके आया था, गोभी वगैरह। मेरा मन था गोभी का पराठा खाने का, तो चलो मजा आएगा। और देख सकते हो टेम्परेचर भी फुल 4 डिग्री है भाई साहब, एकदम कड़ाके की ठंड। तो गाइस अभी एक गेम खेल रहा हूँ, इसमें ना सारे अवेंजर्स भरे पड़े, मतलब काफी हद तक तो हो चुका है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा फिर जाने शादी के लिए। ये तो एक भी टंकी नहीं लग रही, एक तो कपड़े देखने नहीं आते कैसे लेते हैं। तो गाइस अभी गोलगप्पा खा रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं एकदम सुबह सुबह उठ चुका हूँ, क्योंकि ना मेरे को रात में नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कल शाम काफी सो गया था, तो उसके चक्कर में रात में नींद ही नहीं आ रही, तो मैं सोचा कि आज जल्दी उठ जाता हूँ। देख सकते हो 4:54 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटा ही सोया हूँ। 2:25 तक तो नींद ही नहीं, तो 3:39 पे जाग गया हूँ। अब मैं बस वही सोच रहा था कि जल्दी उठ गया हूँ, तो अब वीडियो वगैरह बनाता हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरी ना काफ़ी टाइम से वीडियो छूटे जा रही है कुछ कुछ चैनलों पे। तो अब आज सुबह उठ गया हूँ तो अच्छे से बनाता हूँ सब, और फिर से ही हो जाएगा जो भी होगा। अभी ना घड़ी में बैटरी भी नहीं है। हे सीरी, हाउ मच बैटरी माई वॉच हैव? देखो 21% है, इसको चार्ज पे लगाते हैं। बाकी गाइस देख सकते हो क्या प्रीमियम लगती है घड़ी, को चार्ज पे लगाते हैं। ये देख सकते हो होने लग गई चार्ज। अब देखो 4:58 पे लगाई है, थोड़ी देर में आता हूँ और देखते हैं कितनी देर तक, मतलब कितना हो जाता है चार्ज। लगभग 20 मिनट में हो गई है, ऑलमोस्ट 80% चार्ज तो हो ही गई होगी, तो सही है यार। अब उसको फुल चार्ज होने देते हैं। एक बार वेट नाप लेते हैं सुबह सुबह कितना आ रहा है। कल तो 95 आ रहा था, अभी 97 दिखा रहा है। सुबह सुबह घटता बढ़ता रहता है वेट वैसे तो। बाकी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी बाहर 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो ठंडा लग रहा है मेरे को, इसलिए स्वेटर डाल लिया था, वरना तो कहाँ पहनता हूँ। तो गाइस देख सकते हो घड़ी अपनी लगभग घंटे भर में चार्ज हो चुकी है 100%, उसको पहनते हैं। बाकी गाइस देख सकते हो ऑलमोस्ट 5:53 हो रहे हैं और फुल रात हो रखी है, अभी इतनी ठंडी है क्या बताऊं। और देख सकते हो टेम्परेचर भी फुल 4 डिग्री है भाई साहब, एकदम कड़ाके की ठंड। बाकी मैंने फुल स्लीव डाली देख सकते हो, क्योंकि काफी ठंडा लग रहा था यार, पे मतलब मस्त वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हो मस्त चाय आ रखी है, मस्त चाय पीते हैं इतनी ठंडी में, मज़े एंजॉय करते हैं, मजा आता है, मतलब चाय पीते रहो और बैठे रहो सिकुड़ के। देख सकते हो 7:01 हो रहे हैं, लगभग 7 बज रहे हैं, और अब जाके मौसम अच्छा खुला है और सनसेट भी मतलब खुल रहा है। ड्रोन होता तो यार टाइमलेस बनाता सनसेट उगने का, कोई नहीं। तो गाइस 9 बज चुका है और लगभग मैं 5 बजे से वीडियो बना रहा हूँ सुबह के उठ के, तो ऑलमोस्ट अब बन चुके हैं वीडियो, तो अब ठीक लग रहा है, वरना ना रोज छूट जा रही थी, मैं लेट उठ रहा था, क्योंकि 3-4 घंटे लग जा रहे हैं वीडियो बनाने में। तो कोई नहीं, अब तो मैं थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा नहाता हूँ, और इतने मैंने गेम डाउनलोड लगा रखी है उसको खेल के देखेंगे, तब तक आता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मस्त नहा के निकल चुका हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और अभी धूप में हूँ जिससे कि ठंडा ना लगे, और अपनी चाय भी आ रखी है, तो मस्त चाय पी रहा हूँ धूप में, मस्त इन्जॉय कर रहा हूँ। गाइस अभी सब्जी लेके आया था, गोभी वगैरह, मेरा मन था गोभी का पराठा खाने का, तो चलो मजा आएगा। देख सकते हो यहाँ से लाया था सब्जी। तो गाइस अभी एक गेम खेल रहा हूँ, इसमें ना सारे अवेंजर्स भरे पड़े मार्वल्स राइवल करके, और इसमें हमें ऐसे लड़ाई करनी होती है, मस्त गेम है ये। अब से रोज सुबह ही उठूंगा, बहुत फायदा हो गया, इतनी सारी मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई और गेम खेलने का भी टाइम मिल गया, वरना दोनों ही नहीं हो रहा था, ना वीडियो बनाने का टाइम हो रहा था ना गेम खेल पा रहा था यार। इतना बढ़िया कंप्यूटर सेटअप है और गेम ही नहीं खेल पा रहा था, बताओ मजा ही नहीं आ रहा था। और गाइस देख सकते हो मस्त गोभी के पराठे आ रखे हैं, लेट्स गो, मजा ही आ जाएगा गोभी के पराठे खा के। तो दोस्तों मैं तो बहुत ही मस्त सो के उठ चुका हूँ, मजा ही आ गया एकदम, मतलब अच्छा लग रहा है सो के उठने में, और टाइम भी देख सकते हो 3:50 हो रहे हैं, तो मतलब टाइम से उठ गया मैं, पहले 6-7 बज जा रहे थे। सही है यार, आज जल्दी उठने के बहुत ज्यादा फायदे हो गए, अब से रोज जल्दी उठूंगा। और देख सकते हो अपना खाना भी आ चुका है, दाल चावल इसको खाते हैं, और अपने 15,000 स्टेप्स के लिए भी निकलते हैं फिर थोड़ी देर में, और आना भी पड़ेगा हमें जल्दी, क्योंकि आज शायद शादी का खाना भी है, तो मजा आएगा वहाँ पे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तो गाइस देखो चाय आ रखी है, अब बस चाय पीते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर बाहर अपने 15,000 स्टेप्स के लिए। तो गाइस देख सकते हो 5 बज चुके हैं और निकलते हैं अपने वर्कआउट के लिए, मतलब कि 15,000 स्टेप के मिशन के लिए। अभी 2,400 स्टेप हो रखे हैं 5 बजे, तो चलो पूरे 15,000 करके आते हैं। तो गाइस देख सकते हो निकल पड़ा हूँ मैं, और यहाँ पे इतने स्टेप हो चुके हैं, 2,000-2,500 स्टेप हो रखे हैं, तो चलो अपने वर्कआउट को कंप्लीट करते हैं, आज बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं टाइम भी नहीं है, क्योंकि वापस आना पड़ेगा शादी में जाने, तो फुली जितने होते जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बाकी देखते हैं बस हो जाए। देख सकते हो आपको पतंग उड़ा रहा छोटू, ये देख सकते हो
और ये उड़ रही पतंग। देख सकते हो गाइस पार्क में आ चुका हूँ और जितने भी स्टेप्स बचे सबको कंप्लीट करते हैं। तो गाइस आज मून देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो ये रहा मून, फुल जूम किया, अब फोकस लेते हैं। देख सकते हो फोकस लिया और क्या ही दिख रहा है, मस्त एकदम। देख सकते हो 25 मिनट में 1.9 मतलब 2 किलोमीटर खेच दिया, बहुत तेज तेज चल के कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5400 स्टेप्स देख सकते हो गाइस। तो गाइस देख सकते हो 1 घंटा हो चुका ऑलमोस्ट और यहाँ पे 4.38 किलोमीटर है। आप देख सकते हो 8719 स्टेप हो चुके हैं, सही है, मतलब काफ़ी हद तक तो हो चुका है। थोड़ा सा और करना पड़ेगा फिर जाना शादी के लिए। बाकी गाइस मेरा ना 2 दिन बाद बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि एक पास में वी मार्ट है वहाँ पे ऐसे एक बार ना एक हुडी वगैरह देख के आता हूँ, अगर अच्छी लगी तो ले लूँगा बर्थडे में पहनने के लिए। तो चलो ऐसे ही चलता हूँ, देखते टहलते टहलते अगर अच्छी लगी तभी लूँगा लेकिन। और यहाँ पर पूरी लाइट भाग चुकी है हर जगह की, तो पूरा अंधेरा हो रखा है, बस यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रही है तो इससे फायदा है। देख सकते हो आ गया मैं वी मार्ट पे और लगभग इतना टाइम हो गया 85 मिनट और 6.38 किलोमीटर, 11,500 स्टेप हो गए। चलो एक बार देख के आते हैं होड़ी यहाँ पे कोई अच्छी मिल जाए। तो एक भी डंकी नहीं लग रही, एक तो कपड़े देखने नहीं आते कैसे लेते हैं। तो गाइस मेरे तो एक भी कपड़ा समझ नहीं आया ना, मेरे को अच्छे लग रहे थे कोई भी, तो क्यों पैसे वेस्ट करना कुछ भी लेके। बाकी मम्मी पापा के साथ जाऊंगा तो वही अच्छा से बता देंगे, उनको आइडिया है ना कि कौन सा कपड़ा अच्छा रहता है। और लुक्स के हिसाब से भी अगर कुछ लेता तो भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बेकार से लग रहे थे, बढ़िया सा चाहिए कुछ। अब ऐसा लग रहा है कि यार घर जाना पड़ेगा चल चल के, थक गया मैं यार, ऐसा लग रहा है लिफ्ट ले लूँ किसी से, बाकी चलना पड़ेगा यार, स्टेप भी पूरे नहीं हुए। तो चलो धीरे धीरे घर जाता हूँ, लेकिन एक बार चल जाओ ना दूर तक तो ये लगता है कि यार अब भयंकर इतनी देर तक चल के घर जाना पड़ेगा, इसलिए पास में चलता था मैं पार्क में। गाइस 12,000 के आसपास ही स्टेप हो रखे हैं, तो घर जाते जाते हो ही जाएंगे अपने 15,000 तो ठीक है, कोई नहीं जो होता है चलो। तो गाइस हर गली में ना लगभग दो तीन अलग अलग टाइप के कुत्ते रहते हैं, लेकिन मैंने 2-4 उसूल मतलब अपना बना लिया है एक्सपीरियंस है। एक तो हाथ ना खुले रखो, उन्हें लगे ना कि पत्थर है तुम्हारे हाथ में, और अपना आँखों में ही ना देखो, इग्नोर मार के चले जाओ, कुछ नहीं होता, बस यही है अपना। तो गाइस फाइनली घर आ चुका और थक गया बहुत खतरनाक, पर कोई नहीं, देख सकते हो ये 1 आवर 52 मिनट्स हो रखे है 7.91 किलोमीटर। तो अब मैं आपको कदम दिखाता हूँ मतलब स्टेप्स, पहले ये दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हुआ था ठीक है, ये सब भी देख लो जो भी है। देख सकते हो गाइस 14,000 स्टेप्स, लेट्स गो, 14,000 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं आज, सही है सही है। अब उसके बाद हमें शादी में जाना है, तो अब दबा के जितनी भड़ा से सारी खाने पे निकालूंगा और बढ़िया बढ़िया हर चीज़ खाऊंगा। और क्या कहते हैं ये अभी पहली शादी होगी जो जाऊंगा मैं अभी इस सीज़न में, और अपना मस्त तैयार होता हूँ मैं, फ़ोन वोन चार्ज लगा देता हूँ, बाकी 1,000 कदम रह रहे हैं वो तो यूँ ही हो जाते हैं, जाऊँगा आऊँगा इतने में ही हो जाएंगे। तो चलो जब रिडीम करूँगा तभी देखते हैं, अभी तो निकलता हूँ मतलब रेडी होने की तैयारी करता हूँ। गाइस वेट नाप लेते हैं एक बार, ऐसा कुछ आ रहा है तो मतलब सही आ रहा है, जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन से कम है, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। तो गाइस तैयार हो चुका हूँ, चलो निकलते हैं। तो गाइस वॉच फेस कुछ ऐसा रखा, तो गाइस अभी गोलगप्पा खा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमारे 15,000 स्टेप हो चुके हैं और शादी का खाना भी खा लिया, अब घर की तरफ चलते हैं और आराम करेंगे। तो चलो फाइनली 15,000 स्टेप आज के भी कंप्लीट हो गए, देख सकते हो गाइस 11 दिसंबर को ये हो गए हमारे 4 पॉइंट, लेट्स गो। और पैसे भी अपडेट हो गए, 1200 कुछ हो गए, तो चलो अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस फाइनली बैक होम, अब बस ज्यादा कुछ नहीं, व्लॉग की एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम अगली बार अगले बेहतरीन व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।